जैसे ग्राउंड आपने ले लिया, तो यहाँ से एच हाइट पर एक पॉइंट है, जैसे हम ओरिजिन मान रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहां से किसी भी बॉडी को इस तरीके से कोई भी पार्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया गया, मतलब किसी हाइट पर है और वहां से उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो ऐसे यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया गया, तो इसका जो पाथ होगा वो अगेन पैराबोलिक हो जाता है। तो होगा क्या कि जब ये ऐसे फेंकेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आगे की तरफ जाएगा और मान लिया ये इस लोकेशन पर जाकर गिरता है, तो जहां से हमने प्रोजेक्ट किया था ठीक है वो ये पॉइंट था और गिरा ये यहां पर जाकर, तो इसके नीचे जस्ट ग्राउंड पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये हो गया रेंज यहां पर, और जहां से इसको हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था जिस पॉइंट से, वो हाइट हो गई इसकी, मैक्सिमम हाइट है यहां पर। इसके बाद अगेन हमें यहां पर करना क्या है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा, तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं, लेकिन जैसे आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया गया था कि जरूरी नहीं है कि जो भी क्वेश्चन हो वो सिर्फ एच आर और टी पर ही हो, आपको बीच के पॉइंट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने किए भी थे, तो वैसे यहां पर होगा। तो जैसे हम मान लें कि अगर इस लोकेशन पर किसी भी समय बॉडी है, तो यहां से यहां तक का जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टी के बराबर। तो जो हॉरिजॉन्टल, जैसे वेलोसिटी यहां पर हमने भी दिखा दी, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल यहां पर ये थीटा दिखा दिएगा, ये एंगल क्या है, थीटा, वेलोसिटी वी का। तो इसके दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये वेलोसिटीज के कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल हो गया थीटा। यहां पर जब पॉइंट पी यहां पर है, मतलब ये जो पार्टिकल यहां पर आया, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स के बराबर, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो वाई के बराबर, मतलब जब ये इस लोकेशन पर आएगा तो ये वर्टिकली नीचे कितना है, वाई, और हॉरिजॉन्टल आगे कितना चला गया, एक्स के बराबर। ठीक है, तो हम लोग यहां पर अगेन जनरल फॉर्म में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, वी एक्स क्या है, वी वाई क्या है, ये हम लोग निकाल लेंगे, देन हम एच आर और कैपिटल टी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सब कुछ वैसे है ना, उसमें भी तो यही किया था कि पहले हम लोगों ने क्या किया था, वही टेबल बनाई थी और टेबल में हमने एक्स वाई और वी एक्स वी वाई ये सारी चीजें कैलकुलेट की थी, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली थी, टाइम के रेस्पेक्ट में भी निकाला था और वहां पर जो ये वाई वैल्यू है हाइट उसके रेस्पेक्ट में भी निकाला गया था, वो सारी चीजें वहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। देन हम लोगों ने आर और टी को भी कैलकुलेट किया था, मैक्सिमम हाइट के टर्म में यहां पर कैलकुलेट कर लें, क्योंकि नॉर्मली ये हाइट आपको यहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है, नहीं दिया जाएगा तो हम निकाल भी सकते हैं जो दूसरा डेटा दिया जाएगा उससे। तो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हम लोगों ने पीछे वहां पर देखा था। ठीक है, तो इसमें आप देखो यहां पर भी हम साइन कन्वेंशन, जैसे उसमें भी था, साइन हमने स्टार्टिंग में ले लिया था, फिर जो इक्वेशंस बनी थी उनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, वैसे यहां पर करना है। तो आप देखो यहां पर ओरिजिन हमने यहां पर माना, अब यहां से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर माइनस, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर लेकर चलेंगे। तो आप देखो यहां पर जो ये टेबल यहां पर दिखाई गई है, ठीक है, तो इस टेबल में हम लोग यहां पर देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, डायग्राम देखो आप, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, तो आप देखो यहां पर यू एक्स क्या लिखा गया, यू, और जो हॉरिजॉन्टल में एक्सलेशन होगा जीरो, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सलेशन नहीं रहता, चाहे ऑब्लिक हो चाहे जैसा भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, तो हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन एक्स जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे अगर आप पार्टिकल को यहां से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपने तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो यू हो गया, लेकिन जो वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि वर्टिकल कोई वेलोसिटी आपने दी ही नहीं, तो देखो यू वाई क्या लिखा गया, जीरो। और चूंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर भी रहेगा और वो रहेगा डाउनवर्ड, इसलिए ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी के बराबर। तो सारी चीजें वैसे है ना, बस उसमें कंपोनेंट साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में थे, ये यू एक्स था, यू साइन थीटा जो हम लोगों ने ऑब्लिक पढ़ा था, ए एक्स वहां भी जीरो था, और यू वाई था यू साइन थीटा, ये यू कॉस थीटा था और ये था यू साइन थीटा, और ये एक्सलेशन अगेन वहां पर भी माइनस जी था और यहां पर भी माइनस जी है। ठीक है, अब देखो यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, अगर आप ऐसे सोचो जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा था कि हमने जितनी चीजें लिखी थी
पहले लिख लिया था, बाद में हम लोगों ने सोचा था कि ये तो सारी चीजें हमें पहले से याद है, क्योंकि इधर हॉरिजॉन्टल का था कॉन्सेप्ट तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो सीधा सीधा था कि वेलोसिटी में कोई चेंज होगा नहीं, और साथ ही साथ वेलोसिटी में जब कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वो जो स्टार्टिंग में दी है वही आपको मिलेगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सीधे सीधे वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि जब एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल में तो जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम कर देते हैं। और वर्टिकल में आप सोचो यहां पर क्या होगा कि आप वर्टिकल को देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा ना यू इज इक्वल टू जीरो, यू वाई जीरो है, मतलब वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है यहां पर। तो आप ऐसे सोचो कि अगर हमें वाई डायरेक्शन को देखना है तो हम यही तो सोचेंगे कि अगर हम किसी भी बॉडी को यू इज इक्वल टू जीरो से ड्रॉप कर दें तो टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जीटी, वही पहली इक्वेशन जो स्टार्टिंग में आप मोशन अंडर ग्रेविटी में सोचो जो हमने टेबल बनवाई थी, उस टेबल के बाद जो पहला केस था वो यही तो था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में u जीरो रखा था तो v बराबर जीटी, और t टाइम के बाद h कितना, h डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी कितनी, रूट टू जी एच। क्या कोई अलग रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं, सेम वही रिजल्ट आएगा। देखा जाए तो सारी चीजें हमें पहले से पता है, बस एक बार हमें लिखने की जरूरत है। तो यहां पर आप देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, अगर लिखने की बात है तो हम ऐसे लिखेंगे कि vx इज इक्वल टू v बराबर u प्लस at, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। देख लो यहां पर वही चीज आ रही, ये तो हो जाएगा यहां पर जीरो, देन आप यहां पर क्या लिखेंगे, vx इज इक्वल टू ux, और ux का मतलब वही इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक, तो हम लोगों ने पहले समझ लिया था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, इसलिए वही वेलोसिटी आनी है। यहां पर नोट कर लेंगे, नोट भी करते रहो, अगर कोई आसान चीज है जो पीछे से रिलेटेड है तो पीछे की चीजों से कंपेयर करते उसको तुरंत याद भी कर लो, अपने दिमाग में उसको तुरंत सेट कर लो कि कहां से हमने इसको रिलेट किया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, बताओ जल्दी से क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू इंटू टी, वही यू एक्स टी हो जाएगा या यू इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्स तो कुछ है नहीं। तो अगर आप लिखेंगे भी तो आप ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू यू एक्स टी यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, चूंकि एक्सलेशन जीरो है इसलिए ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, दैट मीन्स यहां से x की वैल्यू आ जाएगी u इंटू टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने u दी है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। वर्टिकल कंपोनेंट अगर आप देखें तो लिखने के बेसिस पर अगर आप निकाल के देखना चाहते हैं तो आप यही लिखेंगे v इज इक्वल टू यू वाई, ठीक है, यू वाई एंड प्लस ए वाई टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें यू वाई की वैल्यू जीरो है तो ये तो हो जाएगा टर्म पूरा जीरो, ठीक है, यू वाई जीरो हो जाएगा। अब वी वाई जो है जो कि डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी ना, जैसे अगर ये बॉडी ऐसे आएगी तो किसी भी पॉइंट पर जब आप इसकी वेलोसिटी देखेंगे कंपोनेंट तो वी एक्स तो इधर रहेगा लेकिन वी वाई किधर है, डाउनवर्ड, वी वाई जो रहे डाउनवर्ड और जो वाई है वो भी डाउनवर्ड, आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, वाई और वी वाई दोनों कैसे दिख रहे हैं, डाउनवर्ड दिख रहे हैं, इसलिए आप साइन रखकर चेक कर लो यहां पर कि क्या होगा, तो वी वाई की जगह पर हम रखेंगे माइनस वी वाई और ए वाई की जगह पर रखेंगे माइनस जी इंटू टी, इट इंप्लाइज दैट वी वाई इज इक्वल टू जी टी, जो कि हमें पहले ही समझ में आ गया था कि t टाइम के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो gt के बराबर ही होगी, तो vy की वैल्यू क्या आ गई, gt। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है मतलब y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन आप देख सकते हैं यहां पर uy की वैल्यू जीरो है इसलिए ये टर्म हो जाएगा जीरो, y भी चूंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा तो हम इसे रखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू वन बाई टू ए वाई की जगह पर माइनस जी और इंटू टी स्क्वायर, देखो वही आ गया ना हाफ जी टी स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। नोट कर लिया आपने, फिर यहां पर देखते हैं ये लास्ट वाला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी एट डिस्टेंस वाई।
तो आप इसमें तीसरी इक्वेशन अप्लाई करें, वैसे तो हमें पता है क्या आएगा, रूट टू जी एच, एच की जगह यहाँ वाई ले रहे हैं तो रूट टू जी वाई आएगा। कैसा आएगा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर वी वाई, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर एंड प्लस टू ए वाई इंटू वाई। तो वी वाई की वैल्यू तो है जीरो यहाँ पर, ये सॉरी यू वाई, ये तो हो गया यहाँ पर जीरो। अब आप वी वाई चूंकि डाउनवर्ड है इसलिए उसको लिखेंगे हम माइनस में, तो माइनस माइनस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वाई की जगह पर माइनस जी और वाई की जगह पर माइनस वाई। ठीक है, देख सकते हैं आप वही आ जाएगा यहाँ पर, वी वाई इज इक्वल टू रूट टू जी वाई। स्क्वायर कर देंगे प्लस ही हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे इधर रूट आ जाएगा, तो वी वाई इज इक्वल टू रूट टू जी वाई। नोट कर लेना आपने। अब जरा यहां पर देख लेते हैं हम लोग एक बार कि ये सारे फॉर्मूले हम लोग को याद है, तो जैसे बताया गया वो तो एक तरीका रहता है कि बताया तो इसी तरीके से जाएगा यहां पर, बाकी अगर आप यहां पर इस चीज को ऑब्जर्व करें तो आप बिना ये कैलकुलेशन के सीधे अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि अगर हम यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्योंकि एक्सेलेरेशन ही हॉरिजॉन्टल में नहीं इसलिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो जो स्टार्टिंग में रहेगा वही थ्रू आउट सब कहीं रहेगा मोशन में। ठीक है, और एक्स बराबर अगर हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम वर्टिकल वाली वैल्यूज देखेंगे तो हमें याद रखना है बस वही कि अगर हम किसी भी बॉडी को यू इक्वल टू जीरो से ड्रॉप करते हैं तो टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जी टी, टी टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर और एच डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी रूट टू जी एच, बस एच की जगह पर यहाँ पर क्या है वाई। तो हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप ये सब सोचोगे लिखोगे फिर आप कर पाओगे, तो डायरेक्ट याद रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आप देखो यहाँ पर दो ही हैं और यहाँ पर तीन हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ हमने ऑब्लिक में भी बताई थी कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तीसरे वाले से भी वेलोसिटी मिलेगी, तो तीसरे वाले से भी सॉल्व करोगे तो यू ही मिलना है, तो उसको लिखने कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ क्यों लिखा गया, यहाँ इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर हम वी वाई देखें तो दोनों जगह वी वाई है बट ये टी के रेस्पेक्ट में है, यानी कि अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो आप इस वाले फॉर्मूले से वी वाई निकालेंगे और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा वर्टिकल तो आप इस वाले फॉर्मूले से वी वाई निकालेंगे। अब पता लगा y दिया गया है तो आप यहाँ से तो वी वाई नहीं निकाल पाएंगे ना, फिर तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, और अगर t दिया गया है तो यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, फिर आपको यहाँ से मिलेगा। तो वो डेटा के हिसाब से है कि t या y क्या दिया गया है उसके हिसाब से आप फर्स्ट या थर्ड क्या यूज करेंगे वो यहाँ से आप चूज कर लेंगे, बाकी ये अलग है हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं था इसलिए सब कुछ पहले से लिख दिया गया, बस एक बार आपको यहाँ पर पढ़ना है जल्दी जल्दी। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पर और फॉर्मूले भी आप देखेंगे चेक करेंगे तो वैसे ही हैं सब, आपके माइंड में अगर वो टेबल है तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखो आफ्टर टाइम टी अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वही होगा ना, दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर तो रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स की वैल्यू यू क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होगा और वी वाई की वैल्यू जी टी, तो जब आप यहाँ रखोगे यू और यहाँ रखोगे जी टी तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी टी टू द होल स्क्वायर। तो किसी भी टाइम टी के बाद जैसे उसने कहा दो सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ तो आप क्या करेंगे रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी टू द होल स्क्वायर कर देंगे, इस पर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग करेंगे भी यार। तो ये यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो जाएगी। अब आप सोचो यहाँ पर ये फार्मूला अगर याद करो तो वहां पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया गया था वो क्या था, यू स्क्वायर प्लस जी टी टू द होल स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। तो आप ये अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जो फॉर्मूला हमने वहां पर याद किया उस फार्मूले का सिर्फ स्टार्टिंग के दो टर्म है वही तो है यू स्क्वायर प्लस जी टी टू द होल स्क्वायर हॉरिजॉन्टल में, आगे जो साइन वाला पार्ट था वो यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप टैन अल्फा देखो तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा वी वाई अपान वी एक्स, तो वी वाई की वैल्यू जी टी और वी एक्स की वैल्यू यू, तो ऐसे याद कर सकते हैं जी टी अपान यू हो जाएगा, डायग्राम माइंड में है तो तुरंत आप समझ जाएंगे। ऐसे जरा हम देखें ये तो टी के टर्म में हो गया, ऐसे अगर आप एच के टर्म में देखेंगे तो आप एच के टर्म में उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि आफ्टर ट्रेवलिंग वर्टिकल डिस्टेंस वाई, चूंकि यहाँ पर h की जगह y लिख रखा है इसलिए y लिख दिया, बाकी सिंबल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगेन देखो रहेगा तो वही दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर है, बस आपका करना आपको क्या है vx square,
तो वो तो u हो जाएगा, vx is equal to u, और vy क्या है, root 2gy, आप रखो यहाँ पर root u square plus 2gy. अब इसे अगर हम square कर दें तो v square is equal to u square plus 2gy. आप याद करो कि वहां पर हमने आपको क्या बताया था कि ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, मतलब v square is equal to u square plus 2as वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज आप प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन मोशन में भी कर सकते हैं. जैसे आप ध्यान दो, वहां का जो फॉर्मूला आया था वो भी तो यही आया था ना, v square is equal to u square, बट यहां पर प्लस था या माइनस, माइनस था ना. जैसे जब हम ऑब्लिक की बात करते हैं तो ऑब्लिक में हम बॉडी को नीचे से फेंकते हैं ना, और आप जब किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो बीच में साइन क्या आता है, माइनस का आता है. इसलिए इस वाले फॉर्मूले में जब हमने वाई के टर्म में निकाला था तो आया था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच आया था, या जी वाई, आप उसको चेक कर सकते हैं. रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई. जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो वहां पर ऐसे नहीं, बल्कि हम वहां पर यहां से प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक तरह से ऊपर से नीचे की तरफ. तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो बीच में साइन क्या आता है, प्लस का. तो इसीलिए देखो यहां क्या आया, प्लस का आया. ठीक है, ऐसे ही आप सर्कुलर मोशन में यूज कर सकते हैं. सर्कुलर मोशन में अगर हम किसी भी पेंडुलम को ऐसे बांध दें और फिर नीचे से ऊपर की तरफ उसको प्रोजेक्ट करेंगे, वो सर्कुलर मोशन करेगा. तो यहां पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो थर्ड इक्वेशन लगानी होगी तो u स्क्वायर प्लस या माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा. और अगर मान लिया कोई ऐसे स्फेयर ले लिया गया, हॉलो स्फेयर है, हेमी स्फेयर है, और उसके ऊपर यहाँ पर कोई बॉडी है और इसको ऐसे हमने प्रोजेक्ट कर दिया या u जीरो से या कैसे भी, तो ये ऐसे जा रही है अब यहाँ पर, तो ये ऊपर से आ रही नीचे, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला, u स्क्वायर प्लस 2. तो याद रखो इन सारी चीज़ों को, जिससे कि आगे कहीं भी आती है बात तो तुरंत आपको उसे समझ में आ जाएगी. तो ये थर्ड इक्वेशन क्लियर हो गई कि थर्ड इक्वेशन यहां पर यूज करेंगे, बट ऊपर से नीचे, इसलिए प्लस का साइन बीच में लिखना है. और बाकी टेन अल्फा लिखना, अगेन वी वाई अपान वी एक्स, तो वी वाई अपान वी एक्स लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट टू जी वाई अपान यू. यहां पर वी वाई, यहां वी एक्स, तो वी वाई की वैल्यू क्या है, रूट टू जी वाई, और वी एक्स क्या है, यू. यहां पर डायग्राम में थीटा लिख गया है क्या, अल्फा है ना, यहां पे गड़बड़ हो गया है, इसमें थीटा लिख गया है, ये थीटा नहीं है, अल्फा है, वहां सही है, यहाँ पर ये अल्फा लिखा हुआ है ना वहां पे, ठीक है, ये अल्फा. तो वही टेन अल्फा क्या हो जाएगा, वी वाई अपान वी एक्स. तो इसमें भी टेन अल्फा वी वाई अपान वी एक्स है, इसमें भी वी वाई अपान वी एक्स है, बस अंतर क्या है, यहाँ वी वाई रखेंगे जी टी के बराबर, यहाँ वी वाई रखेंगे रूट टू जी वाई के बराबर. जिसके टर्म में आपको निकालना हो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. वाई दिया जाएगा तो उधर वाली इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम दिया जाएगा तो इधर वाली इक्वेशन यूज करेंगे. अब एक पॉइंट और आता है कि जैसे यहां पर जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो जैसे उसने कहा 2 सेकंड के बाद बताओ, 3 सेकंड के बाद बताओ, वो अलग पॉइंट है. अगर उसने कहा कि यहां पर जब बॉल को फेंका गया तो वो यहां पर जाकर हिट करती है ग्राउंड पर, मतलब वो ग्राउंड पर पहुंच गई, तो ग्राउंड पर पहुंचने का मतलब क्या हो गया कि जो टाइम है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल टी के बराबर. कैपिटल टी का मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. तो अगर वो यहां की वेलोसिटी पूछता है, इस वेलोसिटी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट. इंपैक्ट मतलब एक तरह से कोलाइड कर जाना, टकरा जाना जाकर वहां पर. तो जो यहां पर इंपैक्ट, यहां पर जो जब ये कोलाइड करेगा तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट. तो ये जो पॉइंट यहां पर है इसको जरा ध्यान दो, क्या कहा गया है, फॉर वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट विद ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर जब वो इंपैक्ट करेगा तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी. तो उस वेलोसिटी को निकालना है तो आप क्या करेंगे, अब ये देखेंगे आप यहां पर कि आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया. अगर आपको टोटल टाइम दिया गया, जैसे अभी आपने दो फॉर्मूले वेलोसिटी के निकाले ना, एक टी के टर्म में और दूसरा वाई के टर्म में, तो अगर उसने टी दे रखा है यहां पर कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रख दो जहां स्मॉल टी था. तो ये तो जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला कि इतने समय के बाद, तो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रख देंगे तो आपको यहां की वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट मिल जाएगी, ठीक. और अगर वाई ना देकर आपको यहां का पूछा जाए और उसने अगर आपको ये हाइट दे रखा है तो जहां वाई है वहां क्या रख दोगे, एच रख दोगे. मतलब सीधी सी बात है कि अगर वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, आप टाइम की वैल्यू, पूरे टाइम की वैल्यू रख देंगे आप, और वाई की जगह पर पूरी हाइट आप रख देंगे. अब इसमें से जो दिया हो, अगर टी दिया है तो टी रखकर निकाल लो, एच दिया है तो एच रखकर निकाल लो. तो वही देखो यहां लिखा गया, फॉर वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट विद ग्राउंड,
टी इज इक्वल टू टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वाई इज इक्वल टू एच मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, जो वर्टिकल हाइट है या डिस्टेंस है वो रख देंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम इनको कैसे निकालेंगे, टी को या एच को, यहां पर या कोई रिलेशन उसके बीच कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा यहां पर सब कुछ वैसे ही है पहले जैसा ही। टाइम ऑफ फ्लाइट y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे। अगर पार्टिकल, जैसे हम यहीं पर ऐसे समझा दे रहे हैं, अगर पार्टिकल यहां से चला और यहां पर कोलाइड किया तो स्मॉल टी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, टी। तो आप सोचो कि जो यहां पर मान लिए पॉइंट था, तो ये वाली वैल्यू को हमने क्या कहा था, वाई। तो अगर ये पार्टिकल यहां से चला और पहुंच गया वो इस लोकेशन पर, ठीक है, तो फिर वाई भी तो बढ़ेगा और वाई भी बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहां लिखा गया इफ टी इज इक्वल टू कैपिटल टी देन वाई इज इक्वल टू एच। तो आप देखो y की जगह h रख दिया और t की जगह कैपिटल T रख दिया, तो फॉर्मूला क्या गया, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि यहां से अगर हम t निकालें तो t स्क्वायर हो जाएगा 2h अपान g, स्क्वायर हटा देंगे रूट लग जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2h बाई जी। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जैसे वहां पर हम लोगों ने रिलेशन t और h में निकाला था तो h इज इक्वल टू क्या आया था, 1 बाई 8 जी टी स्क्वायर आया था, यहां पर एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, या टी इज इक्वल टू रूट टू एच बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो रेंज के लिए एक्स बराबर यू टी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब आप यहां पर देखो इफ टी इज इक्वल टू टी, मतलब ये जो टाइम यहां से यहां तक का टाइम है टी, वो अगर बढ़ते बढ़ते कैपिटल टी हो गया, तो इसको हमने एक्स कहा था ना, तो जैसे ये यहां आएगा तो एक्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी, ये यहां पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर। तो अगर टी की वैल्यू कैपिटल टी है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, और एक्स की जगह हमने आर रख दिया, स्मॉल कैपिटल टी की जगह, यहां पर स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख दिया, और कैपिटल टी क्या है, 2h बाई जी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर जो पूछे गए क्वेश्चन है वो इन्हीं रिलेशंस के क्वेश्चंस पूछे गए, कि आर और कैपिटल एच का रिलेशन और टी और कैपिटल एच का रिलेशन, तो वो दोनों रिलेशन आपके सामने आ गए, तो इन दोनों रिलेशंस को याद रखना है, क्योंकि जब है तो उसमें ऐसे वो इजी इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसमें ऐसे डायग्राम वाइग्राम बनाकर नहीं देते, उसमें वो लैंग्वेज में लिख देते हैं, इसलिए हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो तुरंत अगर आपको ये रिलेशंस याद हैं तो तुरंत आपके माइंड में हिट करेगा कि हम क्या करें। तो ये सब रिलेशंस यहां पर याद रखना बहुत जरूरी है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस में यही पॉइंट है कि आपके दिमाग में ये रिलेशंस होनी चाहिए दोनों, ये और साथ में ये एंगल वाली रिलेशंस जो है टैन अल्फा वाली, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो जाएगा वी स्क्वायर वाला, ठीक है, तो वो तो हमें पता है कैसे हमने याद किया है, ये वाला फार्मूला वहां रिजल्टेंट वेलोसिटी का और ये वाला फार्मूला भी जैसे वहां रिजल्टेंट वेलोसिटी का उसी से हमने याद कर लिया। बाकी यहां पर टैन अल्फा जी टी अपॉन यू और टैन अल्फा रूट टू जी वाई अपॉन यू, रिलेशंस याद रहेंगी क्वेश्चन तुरंत पकड़ लोगे, रिलेशंस नहीं याद होंगी तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन आसान सा पकड़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो रिलेशंस ध्यान रखना, यहाँ की ये वाली और साथ में ये दोनों वाली रिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, कि आप एक्स और वाई को रिलेट करते हैं और जो अननोन टर्म होता है, सॉरी जो वेरिएबल टर्म होता है उसे आप हटा देते हैं, और वेरिएबल यहां पर क्या था, टाइम टी था। तो वही कॉन्सेप्ट आप देखो यहां भी किया गया, एक्स इज इक्वल टू लिखा गया यूटी और वाई यहां पर जो है, और वाई क्या लिखा गया, हाफ जी टी स्क्वायर, ये यहां टेबल से जो हम लोगों ने टेबल लिखी ना, एक्स बराबर यूटी और वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स और वाई को रिलेट करना है। तो आप देखो यहां पर टी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, सिमिलर बिल्कुल वैसे जो वहां किया था वही यहां एक्स अपॉन यू, इसको रख दो इक्वेशन टू में, तो वहां पर आ गया हाफ जी और टी की जगह पर हमने क्या रख दिया, एक्स अपॉन यू, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, देखो क्या लिखा गया, वाई इज इक्वल टू जी अपॉन टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट का टर्म है तो कांस्टेंट है, एक सिंगल पावर दूसरा स्क्वायर में, पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको दिख तो रहा है ना, पैराबोलिक पाथ ही तो दिख रहा है, इस तरह से कैसा दिख रहा है, पैराबोलिक पाथ दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को, जब जैसे इस रिलेशन को देखते हैं तो इस रिलेशन को देखकर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहाँ पर x
स्क्वायर में और वाई अकेला है, तो वाई जो अकेला होता है उसी की तरफ ओपन साइड होता है ना, तो ओपन साइड ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। अब इस तरह से जब ग्राफ बनाते हैं तो हो जाता है कंफ्यूजन कि ये वाला ग्राफ, ग्राफ तो एक्चुअल में जो पाथ होगा वो होना चाहिए ना, दिखना चाहिए। तो अगर हम किसी भी बॉडी को हम ऐसे फेंकें तो आपको ऐसा पाथ दिखेगा ना, इस तरह का, जब आप बॉल को फेंकेंगे यहाँ पर तो ऐसा तो दिखेगा आपको। और जो ऑब्लिक में था, ऑब्लिक में जो रिजल्ट आया था तो उसमें हमने ऐसे फेंका भी था, ऐसे करके बताया था आपको, तो वो भी आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ तो रिजल्ट कुछ अलग ही आ रहा है, जब इसको देख कर हमने ड्रॉ किया तो ऐसा आ रहा है, और जबकि एक्चुअल पाथ दिख हमको ऐसा रहा, तो गड़बड़ी कहाँ पर हो गई? गड़बड़ी यहाँ पर कहीं नहीं, गड़बड़ी सिर्फ हमारे जो यहाँ पर लिखने का तरीका है उसकी वजह से हो जाती है, क्योंकि इक्वेशन आप ट्रेजेक्ट्री लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें प्रॉपर साइन भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि साइन किसका क्या है, तो वो साइन हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करते समय ये होगा ना कि प्लस की जगह माइनस कर दिया, या हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ देखो कि जो वाई है वो एक्चुअल में तो माइनस में होगा ना, क्योंकि जब आप ऐसे यहां पर ड्रॉ करोगे, जब यहां पार्टिकल होगा तो वाई तो ये होता है ना, तो वाई एक्चुअल में क्या होगा, माइनस में होगा। तो जैसे इक्वेशन आप ट्रेजेक्ट्री किसी भी बुक में देखेंगे तो ऐसे ही लिखी हुई मिलेगी, माइनस नहीं लगा होता है। लेकिन माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया था अंडर ग्रेविटी में, कि उसके लिए आपको ये देखना होता है कि यहां पर एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो एक्चुअल कंडीशन यहां ये है कि माइनस वाई जो है वो माइनस में रहेगा। तो अब आप सोचो कि ये इक्वेशन आप ट्रेजेक्ट्री के पहले अगर आप यहां माइनस लगा दो, अब आप ग्राफ ड्रा करो सही आ जाएगा। अब आप देखो यहां पर कि जब हम यहां पर वाई लेंगे और यहां पर एक्स लेंगे, ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट से जहां से बॉल को हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी उसी को हमने ओरिजिन माना था ना, तो अब यहां पर आपको जो अकेला है उसकी तरफ रखना है, तो वाई सिंगल है और वाई की वैल्यू किसमें है, माइनस में, यानी कि माइनस की तरफ यहां पर ग्राफ आप बनाएंगे। तो ग्राफ आपका जो बनेगा वो ऐसा बनेगा ना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा ऐसे। तो हम इधर का ये वाला पार्ट हटा देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ तो बॉल जाएगी नहीं, एक ही तरफ जाएगी प्रैक्टिकली, तो इसको हमने हटा दिया यहां पर। अब आप यहां पर देखो कि ये मान लिया ग्राउंड है, वही ग्राफ आ गया ना, आ गया ना वही। और आप यहां से बॉल फेंकोगे तो जाएगी भी ऐसे, किसी हाइट से बॉल फेंकोगे ऐसे जाएगी, और वही ग्राफ आ गया सेम। तो इसका मतलब क्या था कि यहां पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन कब, जबकि हमें ग्राफ ड्रॉ करके देखना है। बट एग्जाम में आपको कहीं ग्राफ ड्रॉ करके तो देखना नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ तो पहले से पता है क्या होगा, तो फिर हम इक्वेशंस ही यूज करते हैं, इसलिए ये माइनस साइन यहां पर लगाएंगे नहीं। बस आपको हमने समझा दिया है, क्योंकि कुछ लोगों को ये बाद में प्रॉब्लम होती है अगर वो ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करने लगते हैं, तो यहां पर उल्टा ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, तो उल्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक्चुअल सिचुएशन यहां लिखते नहीं। लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो वो सेम एटिट्यूड आ गया था ना वहां पर। तो ऐसे मैंने बता दिया, बाकी उसका कोई यूज है नहीं आपके लिए, बस आपको ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद रखना है कि क्या है, और नहीं याद है तो फिर निकालना पड़ेगा आपको। तो कोशिश करके आप यहाँ पे थोड़े से ही फार्मूले हैं, तो कोशिश करके आप याद रखो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के ज़्यादातर क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड ही पूछे गए आपके यहाँ, ठीक है। ऑब्लिक वाले में तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर भी पूछा गया, यहाँ तो सीधे सीधे क्वेश्चंस दिए गए अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, एक ये स्टेयरकेस प्रॉब्लम है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। स्टेयरकेस प्रॉब्लम, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, इफ ईच स्टेप हैज अ हाइट h, विड्थ b, देन द बॉल विल जस्ट हिट, यहां ध्यान देंगे क्या लिखा है, द बॉल विल जस्ट हिट, जस्ट हिट द nth स्टेप मींस, और उसका मतलब भी लिख दिया गया, जैसे उसने कहा बॉल जस्ट nth स्टेप को हिट कर रही, तो उसका मतलब क्या है, means ball hits the edge of the nth step, क्योंकि nth step को touch करने का मतलब क्या है कि वो, जैसे मान लिया यहाँ पर ये पहला, ये यहाँ पर जो top है, जो staircase होते हैं, जो जीने होते हैं, जो stairs जो होती हैं, तो उसमें क्या रहता है कि ये top होता है, फिर top के बाद ये first हो गया, फिर ये second, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे बने होते हैं ना, तो बीच में dotted line draw कर दी गई, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, nth step। तो nth स्टेप पर बॉल कहीं भी गिर सकती थी ना, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी तो गिर सकती, अगर यहां गिरती तब भी हम क्या बोलते हैं, nth स्टेप पर, यहां गिरती तब भी nth, यहां गिरती तब भी nth, तो वो nth स्टेप पर जस्ट टच कर रही, उसने कहा
जस्ट हिट द nth स्टेप मींस बॉल हिट्स द एज ऑफ। तो ये चूंकि कंफ्यूजन हो सकता था इसलिए उसने यहां पर क्लियर कर दिया कि वो इस nth स्टेप की एज को टच करती, यानी कि गिरेगी जाकर अगले स्टेप पर, क्योंकि nth स्टेप की एज को टच करते हुए जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें यहां पर बताना है कि अगर वो ऐसा करती है तो n की वैल्यू क्या होगी, जबकि यहां पर जो एक स्टेप है उसकी चौड़ाई है b और ऊंचाई है h के बराबर। ठीक, अब आप यहां पर इसे कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे आप यहां पर काउंट करो कि nth स्टेप पर आ रही, तो जैसे अगर हम सिर्फ एक स्टेप लें, एक स्टेप मान लिया बॉल यहां पर टच करती तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता एच, और हॉरिजॉन्टल कितना होता बी। अगर ये बॉल यहां पर आती और इस लोकेशन को टच करती तो यहां से अगर ये यहां आती तो ये नीचे कितना आती 2h, और हॉरिजॉन्टल में कितना जाती 2b। भाई इतनी दूर आ गई ना। ऐसे ही अगर ये तीसरे स्टेप को टच करती तो यहां आती तो वर्टिकल में 3h और हॉरिजॉन्टल में 3b। मतलब यहां पर अगर पहले पर है तो h और b, दूसरे पर है 2h 2b, तीसरे पर है 3h 3b, तो अगर n पर होगी nh एंड nb। यानी कि अगर ये nth स्टेप की एज को टच कर रही है यहां पर, तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो nh के बराबर और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा nb के बराबर। समझ गए ना। अगर 1 पर है तो h और b, 2 पर है तो 2h और 2b, 3 पर है 3h 3b, तो अगर n पर है तो nh और nb। अब आप इतना देखो कि बॉल यहां से प्रोजेक्ट की गई, ये तो सब बीच का, ये तो ऐसे मैंने समझाने के लिए कर दिया था। अब आप यहां पर देखो तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो है, तो अगर बॉल यहां पर टच कर रही है जाकर तो इसकी वर्टिकल डिस्प्ले, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ nh, जिसको हम मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ nb, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोल सकते हैं। और r और h और u का रिलेशन हमें पता है। अभी आप देखो यहां पर पीछे हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा ना, r h और u, r इज इक्वल टू यू रूट टू एच बाई जी। हम इसी रिलेशन का यूज करके रिलेट कर लेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे r इज इक्वल टू यू रूट टू एच डिवाइडेड बाई जी। यहां पर रखेंगे पुट r इज इक्वल टू एन बी एंड h इज इक्वल टू एन एच, दोनों वैल्यूज रखते हैं यहां पर, लिखते भी रहो साथ में, कुछ और उसमें है नहीं। एन बी इज इक्वल टू यू रूट टू एन एच डिवाइडेड बाई जी, दोनों साइड में कर देंगे स्क्वायर। n इज इक्वल टू आ जाएगा 2h u स्क्वायर अपॉन g b स्क्वायर। नोट कर लिया ना आपने। तो ये रिलेशन आपको बस यहां पर देखना है, ये एक पर्टिकुलर एक्चुअल में क्वेश्चन ही है, तो उसको जनरल फॉर्म में आपको यहां पर हमने समझा दिया, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी दे दिया गया है, एक क्वेश्चन वो आप अभी यहां पर देख लेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, उसी को केस के फॉर्म में आपको यहाँ पर बता दिया गया जनरल तरीके से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये नोट कर लिया है, तो क्वेश्चंस पर आते हैं। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके क्वेश्चंस हम लोग पहले करेंगे, देन हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 19.6 मीटर हाई अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। If the line joining the point of projection to the point where it hits the ground makes an angle of 45 degree with the horizontal, then the initial velocity of the ball is, initial velocity आपसे पूछी गई। First, जैसे आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आप यहां पर डायग्राम बनाओ,
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 19.6 मीटर हाई, यानी कि यहां पर जो एच है वो आपको दिया गया है 19.6 मीटर और यहां से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, तो यहां से एक बॉल को हॉरिजॉन्टल इस तरीके से थ्रो कर दिया गया। मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यही u आपको कैलकुलेट भी करना है, देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज। अब उसने कहा कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, तो जैसे ये यहां से चलेगी तो ये यहां पर हिट करेगी जाकर, तो ये जो पॉइंट है उसने कहा कि ये जो दोनों पॉइंट है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर हम इन दोनों लाइंस को ऐसे ज्वाइन करें, सॉरी पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें, तो उसने आपसे कहा है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो आपको बताना है यू की वैल्यू क्या होगी। अब आपने ये देखा, अब आपके दिमाग को फार्मूले दौड़ने चाहिए कि अगर एच है यू है तो एच और यू, तो साथ में आर भी था, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू यू रूट टू एच बाई जी, यानी कि हमारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आ गया आर इज इक्वल टू यू रूट टू एच बाई जी, भाई उसी से रिलेटेड कोई फार्मूला सोचेंगे हम। तो अगर हमारे पास एच है, हमें यू निकालना है, जी हमें पहले से पता है, तो हमारे माइंड में ये आएगा किसी तरह से बस ये आर पता चल जाए, आर पता चल गया सारा काम हो गया। तो आर कैसे पता चलेगा, ये एंगल 45 डिग्री है और ये कितना है 90, इसका मतलब अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये दोनों लाइन आपस में बराबर ही तो होंगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल ही तो बने, अगर 45 डिग्री तो ये दोनों साइड बराबर होंगी तभी हो सकता है, क्योंकि ये 90 है तो ये 45 है तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये 45 होने के जितना ये उतना ये, तो ये जो आर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एच और एच की वैल्यू क्या है 19.6, ठीक है, समझ गए ना। तो ये मैंने इसीलिए इस पे निशान बना दिया, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये दोनों बराबर क्यों लिखे गए, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है, और ये वाला एंगल है 90 डिग्री। तो ये सिचुएशन आपको जैसे हमने पीछे भी यूज किया था ना उसमें वेक्टर में, तो वहां पर बताया गया था ना कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पर। अब ये कंडीशन है तो सारी चीज तो पता है, ये यहाँ पता है एच बी आर बी यू आपको निकालना है, तो पहले एक काम करते हैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, तो हम इसे लिख लेंगे क्योंकि यू निकालना है, तो हम यहाँ पर जैसे इसे चाहे तो पहले सॉल्व ही कर लो, क्या करना है, आर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 19.6 यू रूट 2, H की जगह पर रखेंगे 19.6 और G की जगह पर रख लो 9.8, क्योंकि 19.6 दिखा और अभी आप 10 रख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो 2H और यहाँ 9.8 ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा 9.8 ये 2 से, तो यहाँ पर क्या जाएगा दिस इज इक्वल टू 2U, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 2, तो U की वैल्यू क्या जाएगी, U इज इक्वल टू 19.6 डिवाइडेड बाय 2, मीटर पर सेकेंड, पहला ऑप्शन सही है। चलिए ऐसे बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 की, बस लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। An aeroplane is flying horizontally with a velocity of 600 km per hour at a height of 1960 meters. When it is vertically at a point A on the ground, a bomb is released from it. The bomb strikes the ground at point B. The distance AB is. तो आप यहाँ पर डायग्राम जरा बनाकर चेक करो कि ऐसे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे मान लिया एरोप्लेन है इस हाइट पर और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको दी गई है 600 किलोमीटर पर आवर, यूनिट ध्यान देंगे, एट अ हाइट, तो एच जो दिया गया है वो दिया गया है 1960 मीटर। व्हेन इट इज वर्टिकली एट अ पॉइंट ए द ग्राउंड, मतलब ये पॉइंट ए है यहां पर, ठीक है, ग्राउंड पर उसने कहा व
when it is vertically at a point A on the ground, जब ये इस A point की सीध में है ऊपर, उस समय यहाँ से एक बॉम्ब को रिलीज किया गया, ठीक है, एक बॉम्ब को रिलीज किया गया। अब ये जो बॉम्ब रिलीज करेगा, तो उसने कहा वो स्ट्राइक करता है, द बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट बी, द डिस्टेंस ए बी। तो अब सीधी सी बात है कि बॉम्ब इसके साथ में था, तो जो वेलोसिटी यहाँ प्लेन की होगी वही तो इसकी होगी, सेम वेलोसिटी यहाँ पर। और जब आपने इसको रिलीज कर दिया तो क्या होगा कि प्लेन तो चला गया, लेकिन ये जो बॉम्ब है उसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। तो ये इस तरीके से चलेगा और यहाँ जाकर मान लिया ये स्ट्राइक किया इस लोकेशन पर। अब जब ये यहाँ पर गिरेगा तो इस पॉइंट को क्या कहा गया है, दिस इज बी। तो उसने इस ए बी की वैल्यू को आपसे पूछा है, ये क्या होगा, यही तो पूछा, मतलब क्या उसने पूछा, आर ही तो पूछा है। अब आर, एच और यू का रिलेशन तो हमें पता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में जो यूज किया, बस उसी रिलेशन का यूज कर लो, आर इज इक्वल टू यू रूट टू एच डिवाइडेड बाई जी। देखो यहां पर यू की वैल्यू है 600, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में, इसलिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। रूट टू, एच की वैल्यू 1960 एंड डिवाइडेड बाय जी, क्या ये लोगे यहां पर 9.8, क्योंकि 9.8 से रिले यहां पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 9.8, तो हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 9 कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 9.8, तो 98, तो 2 से आ जाएगा ना, तो ये 200 आ जाएगा यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 400, तो 400 का स्क्वायर रूट 20, दैट मीन्स ये आ जाएगा यहाँ पर 600 इंटू 5/18 और इंटू 20 हो जाएगा ना, यहाँ पर 400 का स्क्वायर रूट 20। अब इसे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें, टेन थाउजेंड मीटर डिवाइडेड बाई 3, या उसको हम लिख सकते हैं 10/3 किलोमीटर, क्योंकि आंसर हम किलोमीटर में यहाँ पर निकालेंगे, एक ही मीटर में दिया गया वो मैच नहीं कर रहा, तो ये आ जाएगा कितना 3.33। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3.33 किलोमीटर। बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको भी ट्राई करेंगे सर। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दो आंसर्स यहाँ पर ज़्यादा लोग बता रहे हैं, तो इस पर बस आपको ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है, तो ये था तो वैसे ही सिमिलर, बट इसमें एक वेरिएशन था और वो वेरिएशन तुम्हें पकड़ना था, तो वो वेरिएशन अगर आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट, जो कि सही आंसर है, सेकेंड वाला नहीं सही होगा, लेकिन आपने जहाँ तक निकाला है वो सही है, मतलब उसको काटने की जरूरत नहीं, बताया काट दिया हटाओ कुछ गड़बड़ हो गया, जहां तक निकाला वो सही, बस उसमें आगे क्या जोड़ना था वो इसकी लैंग्वेज से तुम्हें समझना है। तो इसे जरा आप देखो, यहां पर क्या कहा गया, एट द हाइट 80 मीटर, तो अब की बार ये एच दिया गया है आपको 80 मीटर, एंड एरोप्लेन इज मूविंग विद 150 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर एरोप्लेन एक जा रहा है और उसकी आपको स्पीड दी गई है कितनी, 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ बॉम्ब इज ड्रॉन फ्रॉम इट सो एज टू हिट अ टारगेट एट व्हाट डिस्टेंस, अब यहां से एक बॉम्ब को रिलीज किया गया, तो जैसे यहां से हमने एक बॉम्ब को रिलीज किया, तो जिस समय रिलीज करेंगे उस समय इसकी भी स्पीड u के बराबर होगी। अब अगेन इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, तो पैराबोलिक पाथ होने की वजह से ये यहां पर जाएगा और यहां पर एक टारगेट को हिट करेगा जाकर। तो उसने यहां पर पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप, टारगेट से कितनी दूरी पर उस बॉम्ब को ड्रॉप करना है, कितनी दूर पर हमें उस बॉम्ब को गिराना है, ठीक है, ये आपको यहां पर निकालना है। तो अब आप यहां सोचो कि आपने जो डिस्टेंस अभी निकाली है वो निकाला है आर, ठीक है, ये आर आपने कैलकुलेट किया, लेकिन आर आपसे थोड़ा पूछा जा रहा है, आर की वैल्यू आप देखो, उसने पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, तो टारगेट से कितनी दूर, तो उसमें उसने क्लियर कर दिया था
कि वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल पर है ए, और वहां से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस आपको ही निकालनी थी, लेकिन यहां पर उसने ये बात उसने कहा था ना, यहाँ ए पॉइंट कहाँ है, ऑन द ग्राउंड, लेकिन इसमें उसने ऐसा नहीं कहा कि वो पॉइंट ग्राउंड के बीच का ये डिस्टेंस आपको निकालना है, उसने यहां पर कहा कि एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड। तो ड्रॉप तो हमने यहां किया है ना, और टारगेट यहां था, तो ड्रॉप कौन करेगा, जो पायलट होगा, तो वो पायलट यहां पर देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और उसने जैसे ऑब्जर्व किया कि वहां पर टारगेट है, अब उसको पहले से कैलकुलेटेड है उसका, कि उसे पता है कि ये सिचुएशन जो भी जब ड्रॉप करेंगे तो बॉम्ब की सिचुएशन कैसी होगी, पैराबोलिक, तो पैराबोलिक होगी, तो अगर उसे यहां पर गिराना है, ठीक है, तो अगर वो यहीं पर आकर गिराएगा तो वहां थोड़े गिरेगा, फिर तो आगे चला जाएगा ना, पैराबोलिक पाथ बनाएगा, अगर उसने यहां ड्रॉप किया तो यहां थोड़े गिरेगा, कहां गिरेगा, यहां पर गिरेगा, इसका मतलब वो ऑब्जर्व करेगा टारगेट को पहले ही, और जब उसने जब वो यहां था तब उसने देखा टारगेट यहां है, अब उसने एक अंदाजा लगाया कि अगर हम यहां पर इसे ड्रॉप कर देते हैं तो ये पैराबोलिक पाथ बनाते हुए इतनी डिस्टेंस पर गिरेगा जाकर, तो वो यहां ड्रॉप करेगा, तो वो यहां से उस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करेगा ना, तो वो इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करेगा इस लोकेशन से, यानी कि वो इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करेगा, और इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करके जब उसने देखा कि अब हम इसे ड्रॉप कर सकते हैं और ये ऐसे जाएगा और यहां पर गिर जाएगा जाकर, तो आपको ये आर नहीं निकालना था बल्कि आपको ये एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, अगर हम इसको एस मान ले तो, ठीक है, तो एस निकालने के लिए आर तो चाहिए ना आपको, और आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एस आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, उनको लगता है कि यहां तो उसने डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है ना, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, तो एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब फिर तो ये वाली वैल्यू हमें निकालना चाहिए जो ये रेड वाला है, लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं, आपको निकालना है ये ब्लू वाला, तो आप इस चीज को समझो, यहां एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर, तो जो ऑब्जर्व करेगा वही तो डिस्टेंस को ऑब्जर्व करेगा ना, जो पायलट उसके अंदर बैठा होगा तो वो ऑब्जर्व करेगा, तो जैसे अगर हमें किसी को यहां पर देखना है तो हम सीधे सीधे देखेंगे ना, कि हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो देखेंगे तो सीधे, ऑब्जर्वेशन तो सीधा होगा ना, ऐसे थोड़े होगा ऑब्जर्वेशन, तो अगर वो यहां पर ऑब्जर्व करेगा तो ये डिस्टेंस थोड़े ऑब्जर्व करेगा, कौन सी करेगा, ये डायरेक्ट वाली डिस्टेंस वो ऑब्जर्व करेगा, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ये एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी, उसके लिए सबसे पहले हम आर कैलकुलेट करेंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू रूट टू एच डिवाइडेड बाई जी, यू की वैल्यू क्या है 150, टू एच की वैल्यू है 80, और जी की वैल्यू यहां पर दिया गया है 10, तो ये जीरो कैंसिल कर देंगे, यहां पर हटा देंगे, 16 आएगा, यानी कि 4 कितना आ जाएगा, 600 मीटर आ जाएगा ना, यहां पर ये हटा देंगे आप जीरो, ये तो 8 इंटू टू 16 का स्क्वायर रूट 4 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 600, लेकिन हमें निकालना है एस, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर मतलब 600 स्क्वायर और एच स्क्वायर मतलब 80 स्क्वायर, ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहां पर इस कैलकुलेशन को करने बैठ गए तो आपका जाएगा बहुत ज्यादा टाइम, तो इसीलिए हम आपको बार बार बता चुके हैं कि कई बार होता है जब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो तो अंदाजा लगाने की कोशिश करो, कई बार उसी से हो जाता है, जैसे जब बहुत क्लोज ऑप्शन होंगे तब तो अंदाजा काम नहीं करेगा, फिर तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट यहां पर लग सकता है, जैसे आप यहां देखो कि ये दिया गया है आपको क्या 80 का स्क्वायर 600 का स्क्वायर, तो अगर ये 80 स्क्वायर ना होता तो आंसर क्या आता 600, अगर तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे 80 स्क्वायर अगर नहीं होता तो यहां 600 होता कि नहीं, तो 600 में इतना और ऐड कर रहे हैं आप, तो अगर कुछ ऐड करेंगे तो 600 से तो ज्यादा ही आएगा, दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 600 होगी, इतना हमको पता है, अब ग्रेटर देन 600 का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें यहां पर एक्चुअल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, अब मान लिया एक कैलकुलेशन में यहां पर ये होता ये आंसर होता और एक ऑप्शन दिया होता कुछ 610 दे देता वो, ठीक है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती क्योंकि दो 600 से ज्यादा होते आंसर्स और दोनों क्लोज भी है, एक 5 है दूसरा 10 दिया गया,
तो फिर हम अंदाजा नहीं लगा सकते, फिर हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ अंदाजा लग सकता है क्योंकि यहाँ पर 600 से ज्यादा आएगा, तो 600 से ज्यादा का सिर्फ एक आंसर है और वो है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लेंगे, नेक्स्ट ट्राई करेंगे इसके बाद तुरंत इसको नोट करके। नेक्स्ट तो बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती, मतलब ये 3 सेकेंड क्या हो गया उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये एंगल ऑफ इंपैक्ट हो गया हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर वो स्ट्राइक करती है जाकर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विद विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। यानी कि आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो हाइट निकालनी यानी कि कैपिटल एच, और दूसरा आपको निकालना है स्पीड मतलब यू की वैल्यू। दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी। तो पहले तो हम यहाँ डायग्राम ऐसे बना देते हैं, जैसे मान लिया टावर है और ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको, ये एच आपको यहाँ पर निकालना है, यहां से बॉल को हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट किया गया यू से, तो आपको ये एच भी कैलकुलेट करना है और ये यू भी कैलकुलेट करना है। अब ये बॉल यहां से ऐसे चलेगी और ये यहां पर ऐसे जाकर हिट करती है इस लोकेशन पर, तो ये जो वेलोसिटी है, मतलब इसका पाथ तो ऐसे ही होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, तो यहां पर जब ये हिट करती है जाकर, तो इसकी जो ये वेलोसिटी है टेंजेंशियल, ये यहां पर वी है, और ये जो एंगल यहां पर है जिसको हम अल्फा कहेंगे, तो वो कितना है 30 डिग्री, और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना दिया गया है 3 सेकेंड दिया गया आपको। ठीक, ये दो चीजें आपको दी गई हैं और आपको निकालना है एच और यू कैलकुलेट करना है। तो आप सोचो यहां पर कि यू का फार्मूला आपको भी क्या बताया गया था, मतलब यू के लिए आपको एक रिलेशन बताया गया था ना। अगर आप एंगल अल्फा देख रहे हैं तो अल्फा को याद करो, अल्फा यू छोड़ो, अल्फा याद करो, टैन अल्फा जीटी डिवाइडेड बाई यू, याद है ना। टैन अल्फा अगर टाइम दिया गया है तो जीटी डिवाइडेड बाई यू, और अगर आपको वाई दिया गया है तो रूट टू जी वाई अपॉन यू। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने। तो यहां पर हमें दिया गया है टी, तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे टैन अल्फा इज इक्वल टू जी टी डिवाइडेड बाई यू। तो टेन अल्फा का मतलब टेन 30 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू है 3 और यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टेन 30 हो जाएगा 1/√3। और ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई यू, इट इंप्लाइज दैट U is equal to 30√3 meter per second. और दूसरा पॉइंट आपको क्या निकालना है, H. H कैसे निकालेंगे हम लोग, H equal to half, बस आप जी टी स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ डी टी स्क्वायर, यहीं से टी लिखा था ना हम लोगों ने √2h/g, तो वही वाला फॉर्मूला बस यूज करना है। तो हाफ जी की वैल्यू 10, ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, और टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा कितना 45 मीटर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 45 मीटर एंड 30√3 meter पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। A gun is aimed horizontally at a target 60 meter away. The bullet hits the target 80 centimeter below the aiming point. अब देखो टारगेट को तो हिट कर रही, लेकिन aiming point के 80 centimeter below, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी कि जैसे ये मान लिया यहां पर, जैसे ये मान लिया यहां पर ये है टारगेट, ठीक है, टारगेट तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि जो गन है उसको एम किया गया 60 मीटर अवे, दूर टारगेट है यहां पर,
तो अगर हम यहाँ पर देखें कि बुलेट यहाँ से फायर की गई, ठीक है, इस लोकेशन से बुलेट को फायर किया गया, स्पीड उसकी हमने ले ली, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है टारगेट की वो है 60 मीटर, तो उसे एम किया गया है इस पॉइंट पर, यानी कि ये जो पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, ये एमिंग पॉइंट हो जाएगा, ये एमिंग पॉइंट हो गया। तो टारगेट तो ये पूरा हो गया, लेकिन उसने एक पॉइंट पर निशाना लगाया उस टारगेट के ऊपर। तो जब यहां पर इसने फायर किया, तो फिर जो बुलेट है उसका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। तो बुलेट तो ये पैराबोलिक पाथ बनाते हुए यहां पर गई और यहां पर इसने कोलाइड किया, जाकर हिट किया। तो ये जो पॉइंट है उसने क्या कहा, द बुलेट हिट्स द टारगेट 80 सेंटीमीटर बिलो द एमिंग पॉइंट, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको दी गई है, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है, 80 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर यहां पर डिस्टेंस है, ठीक। अब आप यहां पर देखो कि ये अगर यहां पर हिट करती है, तो उसने आपसे पूछा है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बुलेट एंड इट्स स्पीड, मतलब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है टी वो क्या होगा, और जो ये स्पीड है वो क्या होगी, यानी कि यू आपको निकालना है और ये टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना। तो अगर हम इस तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक काम करें, इसको यहाँ से मिला दें और इसे यहाँ से ऐसे मिला दें, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर मिला दिया, तो ये दोनों पॉइंट जैसे मिलाया तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि अगर हम इसे एच बोलते हैं तो एच की वैल्यू हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होंगी, तो इसका मतलब जो आर है वो कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। तो अगर आपको आर पता है और एच पता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट और यू दोनों आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बस यही यहाँ करना था कि वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ कर हमने डायग्राम बनाया, और जैसे ही डायग्राम बनाया तो तुरंत हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि ये H हो गया, ये R, और इसको यूज करके हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो H की वैल्यू यहां पर दिया गया है 80 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग लिख लेंगे 0.8 मीटर। अब T और H का रिलेशन पता है, H इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो वहां से हम T निकाल लेंगे, और फिर R से हम U निकाल लेंगे, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, U इंटू टी, तो दोनों से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो t हो जाएगा 0.4 सेकेंड और u की वैल्यू हो जाएगी 150 मीटर पर सेकेंड, तो 0.4 एंड 150 फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे 38। जो भी आपको फॉर्मूला बताया गया था उसी पर बेस्ड है, जो स्टेयर केस वाला फॉर्मूला था उस पर बेस्ड, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया ना आपने, इसमें जस्ट अगेन था कि एक बार डायग्राम बस बन जाए तो उसके बाद फिर आगे चीजें आसान थी।
नोट कर लिया ना ये सभी ने, जल्दी से लिखें जल्दी से। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, फर्स्ट। A staircase contains three steps, each 10 centimeter high and 20 centimeter wide, as shown in figure. What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? ठीक है कि यहाँ पर अगर ये इस प्लेन से, मतलब ये हाईएस्ट जो ऊपर वाला दिखाया गया टॉप, यहाँ से ये अगर लुढ़कना स्टार्ट कर रहे तो ये डायरेक्टली हिट करती, यहाँ पर उसने पूछा क्या है वो देखो, What should be the minimum horizontal velocity? उसने आपसे पूछा है minimum horizontal velocity कि जो ball है वो hit करे directly to the lowest plane, यानी कि वो third वाले को directly hit करे जाकर, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे भी कुछ लोगों ने बताया है first, कुछ लोगों ने बताया second, और किसी का third, और लोग भी try कर लें first। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, n इज इक्वल टू 2hu² / gv² इसमें यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन हमें सुनाई पड़ रहे हैं, तो चलो चेक करते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा सही। तो आप यहां पर देखो क्वेश्चन में वैसे तो कुछ नहीं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एक जगह पर पॉइंट है जो आपको सोचना था यहां पर। जैसे ईच स्टेप 10 सेंटीमीटर हाई, यानी कि जो एच की वैल्यू है वो हो गई 0.1 मीटर, और जो 20 सेंटीमीटर वाइड दिया गया है उसका मतलब बी की वैल्यू हो गई 0.2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं सीधे। अब जी की वैल्यू वो हमें पता है, वो हम 10 रख लेंगे, ठीक है? और यहां पर बाकी बचा क्या, यहां पर यू, ये आपको निकालना, और एन बच रहा है, ये दोनों वैल्यूज आपको यहां पर रखनी है। तो एन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे आपको यहां तीन स्टेप दिखे और आपने n की वैल्यू रख दी 3, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। लेकिन यहां पर एक टर्म लिखा गया है मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये मिनिमम टर्म का मतलब यहां पर क्या, ये क्यों लिखा गया और इसका रोल क्या है यहां पर, तो आप इस चीज को जरा समझो इस डायग्राम में ही। इसको थोड़ा बड़ा कर देते, इस डायग्राम में अगर आप यहां पर देखें तो जब यहां से आप इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे तो ये अगर जाकर बॉल यहां से चले और ये जाकर यहां पर हिट करे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसने थर्ड स्टेप को हिट किया ना, थर्ड को डायरेक्टली हिट किया। अगर ये यहां से चले और यहां पर जाकर हिट करे, अगर ये यहां पर हिट करेगी तो भी तो थर्ड स्टेप को हिट कर रही, और अगर ये यहीं से चलकर आगे मान लिया कहीं पर हिट करे जाकर और आगे यहां पर हिट करे तो भी ये थर्ड स्टेप को हिट करे, मतलब ये किसी भी तरह से अगर हम जा रहे हैं तो ये डायरेक्टली थर्ड स्टेप को ही तो हिट कर रही। तो अगर सभी में थर्ड स्टेप है तो फिर अंतर क्या है, कि मतलब आप यहां पर जो वेलोसिटी उसने पूछा है मिनिमम, उसका कुछ ना कुछ तो रोल रहा होगा ना। जैसे यहां पर सभी में थर्ड स्टेप, तो आप ये वाली कंडीशन मानेंगे कि ये मानेंगे कि ये मानेंगे या कुछ और मानेंगे, तो आपको ये सोचना है कि थर्ड स्टेप को डायरेक्टली अगर हिट कर रही तो इस फार्मूले में आप n क्या रखेंगे, जबकि उसने कहा है मिनिमम वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमें समझ में आ गया कि इन तीनों में अंतर क्या है। इन तीनों में अगर ये ऊपर से आ रहे हैं तो वर्टिकल हाइट तो बराबर ही होगी सब में, ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस है। आप याद करो ये क्वेश्चन में आपको समझाया गया था कि अगर आगे गिर रहा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे अगर h सबका सेम है तो t सबका सेम हो जाएगा, बिकॉज h इज इक्वल टू 1/2 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हाफ gt स्क्वायर होगा ना, तो सबका h सेम तो सबके लिए t सेम, और इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या होता है u इंटू t। तो अगर t सबके लिए सेम है तो जिसका r मिनिमम होगा उसका u मिनिमम होगा,
एक मिनिमम होता है, दूसरा हमेशा मैक्सिमम ही थोड़े होता है। एक मिनिमम होगा तो दूसरा भी यहां पर मिनिमम होगा, डायरेक्ट है ना। तो अगर टी सबका सेम है तो आर मिनिमम होगा तो यू भी मिनिमम होगा। तो आपको मिनिमम यू के लिए मिनिमम आर चाहिए। अब मिनिमम आर का मतलब जस्ट थर्ड पर हिट करे, लेकिन यहां पर आर की वैल्यू मिनिमम हो। तो उसमें अगर ये तीन में चूज करना हो तो कौन सा चूज करेंगे? रेड वाला चूज करेंगे ना। लेकिन रेड वाले में भी थोड़ा सा और अभी चेंज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम भी तो आर हो सकता है। यहां पर अगर हम देखें तो हम यहां से अगर हम सेकंड वाले को टच करते हुए जाएं और यहां पर गिरे जाकर, ठीक है, तो अगर यहां से गिरे और सेकंड वाले को टच करते हुए जाएगी तो भी तो ये डायरेक्टली किसे हिट करेगी? थर्ड वाले को। तो टच किसको कर रही है? ये सेकंड वाले को। और आपको जो केस बताया गया था उसमें क्या कहा गया था कि एन क्या है? एन वो स्टेप की वैल्यू रखते हैं जिसकी वो एज को टच करता है। तो किसकी एज को टच कर रहा है? सेकंड की। तो इसका मतलब यहां एन की वैल्यू 3 नहीं बल्कि क्या रखना होगा? 2। अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी से, इस केस में जो वेलोसिटी यहां पर होगी रेड वाले केस में, वो वेलोसिटी यू क्या होगी? मिनिमम। ठीक है, ये वाला नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी मिनिमम नहीं। तो यू मिनिमम से फेंकेंगे तो ये सिर्फ रेड वाला पार्ट आप बनाना, ये दो बनाने की जरूरत नहीं है। रेड वाला पार्ट आप बनाएंगे यू मिनिमम, तो ये सेकंड को टच करते हुए ऐसे जाकर यहां पर गिरेगी और हिट करेगी डायरेक्टली थर्ड को। तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, डायरेक्टली हिट किसे कर रही? थर्ड को, और मिनिमम वेलोसिटी से, क्योंकि अगर इससे कम तुमने कर दिया तो वो सेकंड वाले स्टेप पर ही गिर जाएगी जाकर। लेकिन अगर आपने इतना रखा तो वो सेकंड वाले को टच करते हुए जाएगी और थर्ड पर डायरेक्टली हिट करेगी जाकर। तो इसका मतलब यहां पर जो हम रखेंगे एन, हियर एन इज इक्वल टू क्या लेना है? 2 आपको लेना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा बना लेंगे इस तरीके से, ये दोनों मत बनाना, बस ये रेड वाला पार्ट ऐसे खींच लो और लिख लो हियर एन इज इक्वल टू 2 फॉर यू इज इक्वल टू यू मिनिमम, फॉर यू इज इक्वल टू यू मिनिमम। यू की वैल्यू यू मिनिमम होने के लिए एन की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 2। और अगर 2 रखेंगे तो आपका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। तुम्हारा 20 सेकंड ही आ रहा है। तो यहां पर n की जगह रख देंगे आप 2 और ये हो जाएगा 2, h की जगह पर 0.1 और U आपको कैलकुलेट करना है, यू स्क्वायर, एंड यू स्क्वायर मतलब यू मिनिमम स्क्वायर हो जाएगा और G की वैल्यू यहाँ T स्क्वायर का मतलब 0.2 × 0.2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, 1.2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि U मिनिमम स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2, 2 × 2 का मतलब 4, तो U मिनिमम आ जाएगा √4। हालांकि √4 को 2 लिख सकते हैं लेकिन इसमें ऐसे लिख दिया गया √4 मीटर पर सेकेंड, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए वापस आ जाते हैं थ्योरी वाले पार्ट पे, नोट कर लिया ना सभी ने? तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, उस क्वेश्चन का जो फार्मूला था उस फार्मूले को समझने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। आपको अगर यहाँ पर जो n के लिए ये क्वेश्चन नहीं दिया था तो आपके दिमाग पे ये चीज़ हिट नहीं करती। आपको वहाँ बता जरूर दिया गया था लेकिन वही पॉइंट यहाँ सोचना था आपको कि आपको यहाँ यू मिनिमम का मतलब क्या है, क्यों उसने मिनिमम पूछा और उसके लिए n की वैल्यू क्या रखनी, बस यही इस क्वेश्चन में सीखना ही था, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था केस से रिलेट करके इस क्वेश्चन को दे दिया गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर अगर आप यू मैक्सिमम करना चाहते हैं और थर्ड को हिट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? आप यहाँ पर हिट करेंगे जस्ट इसके कॉर्नर पर, और जस्ट इसके कॉर्नर पर हिट करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जिसके कॉर्नर को हिट करना वही एन हो जाएगा बस। तो जैसे मिनिमम के लिए रेंज मिनिमम, तो मैक्सिमम के लिए रेंज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो
तो मैक्सिमम रेंज के लिए आप यहां पर कर देंगे। अब जैसे उसमें होगा क्या कि जब आप यहां पर ऐसे, जैसे ये थर्ड है तो थर्ड में अगर मैक्सिमम के लिए हिट करेंगे तो जस्ट यहां पर हिट कर रहे हैं कॉर्नर पर, तो बिल्कुल यहां पर अब जैसे थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि हम हल्का सा आगे बढ़ा देंगे तो बाहर निकल जाएगी, और हल्का सा कम कर देंगे तो ये इसी पर हिट करेगी लेकिन रहेगी तो कॉर्नर पर ही। तो अगर कोई चीज मान लिया 0.2 मीटर है तो 0.2 मीटर में कुछ मिलीमीटर का अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो मैक्सिमम के लिए अगर आपको यहां पर लेना है तो एन की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे, और मिनिमम के लिए लेना है तो एन की वैल्यू आपको क्या लेनी है, फिर 2 आपको लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं गन एंड टारगेट प्रॉब्लम एक है। तो ये भी एक तरह का पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसे बस आपको थोड़ा सा समझना है इसमें कि यहां पर, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए कोई बहुत भयानक फार्मूला नहीं आएगा आपके सामने, सिंपल फार्मूला ही रहेगा, बट उस फार्मूले को आपको देखकर भी अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा नहीं तो आप उसका हो सकता आंसर गलत आप लिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर केस है इसे हमें ध्यान से समझना है कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपको एक दिखाया गया है सूखा हुआ पेड़, ठीक है, और उसमें लटक रहा है एक बंदर। बंदर तो समझ में आ ही रहा होगा ना, हमारे पूर्वज हैं तो तुम्हारे बायो में यही पढ़ाया जाता है ना, बंदर पूर्वज हैं। कुछ और पढ़ाया जाता है, पर्टिकुलर टाइप का कोई बंदर रहता होगा ना, क्योंकि ऐसे तो कोई बंदर आदमी बना नहीं आज तक हमारे बचपन से। चलो ये जो यहां पर मंकी है तो ये इस पर्टिकुलर हाइट पर है और यहां से अगर कोई भी हिट करना चाहता है इसे तो जब वो इसकी तरफ एम करेगा, मतलब निशाना इसकी तरफ लगाएगा, तो वहां पर क्या सिचुएशन होगी और उस सिचुएशन के हिसाब से उसका क्या आंसर होगा ये हमें समझना है। ठीक है, तो जैसे इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये जब यहां पर हिट करेगा तो जैसे एक यहां पर दिखा दिया गया ना यू स्पीड और एट एन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, तो यहां से जो इसकी वर्टिकल हाइट है वो वाई प्लस एच के बराबर होगी, क्योंकि जब यहां से आप बुलेट को फायर करेंगे तो इसका जो पाथ हो जाएगा वो पैराबोलिक हो जाएगा। तो अगर ये पैराबोलिक पाथ पर जाएगी और ये यहां पर रुका रहे, जहां पर ये है ये वहीं पर रहे, ये वहां से जंप ना करे, तो उस कंडीशन में क्या अगर हम इसकी तरफ हिट करेंगे तो क्या बुलेट इसको हिट करेगी जाकर? अगर हम एम इस मंकी को लेंगे तो बुलेट इसे हिट नहीं करेगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब बुलेट यहां से फायर करेंगे तो उसका पाथ हो जाएगा पैराबोलिक, तो ये तो जहां है ऊपर उस कंडीशन में, और इसका पाथ पैराबोलिक होगा तो ये कुछ नीचे से निकल जाएगी। लेकिन अगर यहां पर ये सिचुएशन हो जाए कि ये जो यहां पर एम लिया गया था, जैसे हमें ये पता चल जाए कि ये मंकी जहां पर लटका हुआ ये यहीं रहेगा, और हमें ये पता चल जाए कि ये जो एच हाइट है ये लगभग कितनी होगी, मतलब यहां तक अगर हम फायर करेंगे तो कितना बुलेट नीचे आएगी, अगर हमें ये कंडीशन पता चल जाए तो हम ये जो एम है वो यहां लेने की बजाय इतनी डिस्टेंस हम ऊपर लेंगे, मतलब हम इस लोकेशन पर एम लेंगे एच डिस्टेंस ऊपर, तो अब क्या होगा कि जब हम इधर की तरफ एम लेंगे और फायर करेंगे तो बुलेट का पाथ तो पैराबोलिक होगा, तो बुलेट इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाएगी और यहां तक पहुंचते पहुंचते वो एच डिस्टेंस नीचे आ जाएगी और तब ये बुलेट जाकर इस मंकी को हिट कर देगी। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। तो हमें यहां पर निकालना क्या है, हमें ये एच कैलकुलेट करना है। अगर हम ये एच कैलकुलेट कर लें तो इस कंडीशन में हमें पता चल जाएगा कि ये एच कितना है और हमें कितना ऊपर यहां पर एम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि बुलेट कितना इसके नीचे से निकल जाएगी। तो उसके लिए आप देखो यहां पर क्या करेंगे, जैसे ये डिस्टेंस एक्स के बराबर है, ये यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो ए पॉइंट है, यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, एच प्लस वाई, और यहां पर ये लाइन एकदम स्ट्रेट ड्रॉ की गई, तो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है, थीटा के बराबर। तो ये एक ट्रायंगल बन गया ना ओ ए बी, और ओ ए बी ट्रायंगल में टैन थीटा अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज, तो लिखेंगे यहां पर फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी।
इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू, टैन थीटा क्या हो जाएगा, एच प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहां से एच प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स टैन थीटा। अब इसमें हमें वाई की वैल्यू रखनी है और एक्स की, तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ना, यहां से ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स और वाई जो हम लोगों ने पढ़े थे वही यहां पर रख देने। तो यहां पर रखेंगे एच प्लस वाई की जगह पर रखेंगे यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स क्या रखेंगे, यू कॉस थीटा इंटू टी, u cos theta into t, और ये जो tan theta है इसकी जगह पर रख देंगे sin theta upon cos theta। तो यहां से ये cos theta cancel हो जाएगा और तब यहां पर क्या बच रहा है, h प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। और इस तरह से यहां पर ये यू साइन थीटा टी और यू साइन थीटा टी भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। H is equal to half GT square. तो चलिए हम लोग ये देखते हैं यहां पर, ये जो यहां पर मंकी था तो यहां तक तो हमें पता चल गया कि यहां से जब जब ये हिट करेंगे तो ये जो बुलेट है वो नीचे यहां पर निकल जाएगी और बुलेट इसे हिट नहीं करे। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो कि अगर उसने आपसे क्वेश्चन में कहा, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा ज्यादातर इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो अगर उसने कहा कि हमने एम लिया है मंकी पर, मंकी एम पर है और यहां से हमने जब फायर किया तो मंकी यहां पर कहीं जाता नहीं, वो जंप नहीं करता है, वो जहां है वहीं है, मतलब टारगेट जो हमारा है वो स्टेशनरी है। और अगर टारगेट स्टेशनरी है और हमने इसे यहां से फायर किया इसको एम लेते हुए, तो क्या बुलेट इसे हिट करेगी, नहीं करेगी ना, क्योंकि बुलेट निकल जाएगी एच डिस्टेंस नीचे से। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। लेकिन अगर उसने कह दिया कि हम इसे हिट करना चाहते हैं तो हम कितना ऊपर टारगेट लें, यहां पर कितना ऊपर एम लें, और या फिर हम अगर इसके ऊपर एच डिस्टेंस ऊपर एम ले रहे हैं जहां पर एच क्या है हाफ जी टी स्क्वायर, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ये बुलेट इसको हिट करेगी जाकर, अगर ये स्टेशनरी है तो करेगी, क्योंकि जब हम h डिस्टेंस ऊपर हिट करेंगे तो बुलेट का पाथ होगा पैराबोलिक और वो जाकर इसको हिट कर देगी अगर ये स्टेशनरी रहा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि आंसर आपको कैसे देना। अब यहीं पर उसने मान लिया क्वेश्चन बदल दिया, जैसे मान लिया आप यहां पर गए जंगल में बंदर मारने शिकार करने, तो आप यहां पर इसकी तरफ आपने एम लिया, आपने सोचा कि ये तो है चालाक, ये हमको देख रहा है और हम इसको देख रहे हैं, और इसके बाद जैसे हम इसे, जैसे आपने अंदाजा लगाया कि अगर हम यहां फायर करेंगे तो ये जंप कर जाएगा। अब मान लिया आपने यहां से फायर किया और ये भी अपनी चालाकी में थे कि ये फायर करेंगे हम जंप कर जाएंगे, हमको लगेगी नहीं, लेकिन तब क्या होगा, अगर ये जंप कर गया और यहां से आपने इसको एम लिया था और जैसे ही फायर किया ये जंप कर गया तो ये 100% हिट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर कोई चीज u इज इक्वल टू जीरो से ड्रॉप होती है तो t टाइम में उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, आप जी टी स्क्वायर, यानी कि t टाइम में मंकी कितना नीचे आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, बुलेट कितना नीचे आएगी, हाफ जी टी स्क्वायर, बाकी समझदार हो तुम, हिट कर जाएगी जाकर उसको, ठीक है। तो इनकी जो चालाकी है वो धरी की धरी रह जाएगी। अब इसमें ये जो कंडीशन है इनको पढ़ भी लेते हैं साथ में, so in order to hit the target the gun should be aimed h height above the target where h is equal to half gt square, ठीक है। next उसमें note में लिख दिया गया है यहां पर
इफ बुलेट इज फायर टेकिंग एम एट टारगेट, देखो अब ये कंडीशन अलग है, इफ बुलेट इज फायर टेकिंग एम एट टारगेट एंड द टारगेट स्टार्ट्स फॉलिंग एट द मोमेंट व्हेन बुलेट इज फायर्ड, द बुलेट ऑलवेज हिट्स द टारगेट बिकॉज वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोथ इन टाइम टी विल बी हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन और देखते हैं। एक कंडीशन इसमें और क्या होती है कि जैसे आपने यहां पर गन लिया और गन से निशाना लगाया इस मंकी को, ठीक है, इसकी तरफ, और आपने यहां पर सोचा कि जैसे ही हम फायर करेंगे ये यहां पर जंप कर जाएगा, और जैसे यहां पर आपने फायर किया ये जंप भी कर गया, लेकिन जो आपकी गन थी ये हड़प्पा की खुदाई में निकली थी, तो ये बुलेट चली और बुलेट यहीं टपक गई, मतलब इसकी रेंज ही कम थी। जो बुलेट थी यहां से जो आपने फायर किया वो बुलेट चली और यहीं पर टपक गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये यहां से जंप भी कर गया तो क्या बुलेट इसको कहीं हिट करेगी? नहीं। इसका मतलब हिट करने के लिए एक सिचुएशन और जरूरी है कि जो ये गन है इसकी जो रेंज होनी चाहिए, मतलब रेंज ऑफ गन दैट शुड बी ग्रेटर देन एक्स, मतलब जो यहां से जिस पॉइंट से आप हिट कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, उस पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले डिस्टेंस है इस मंकी की, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस उसकी रेंज से कम होनी चाहिए, या कहते हैं रेंज उस डिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लिया ये 100 मीटर की डिस्टेंस है यहां से यहां तक, तो जो रेंज है वो 100 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए तभी यहां तक बुलेट पहुंचेगी, वरना पता लगा यहां से फायर भी कर दिया, वो जंप भी कर गया, लेकिन फिर भी वो हिट नहीं हुआ क्योंकि यहां तक बुलेट पहुंचेगी ही नहीं। तो ये कंडीशन भी यहां पर है कि इन केस द टारगेट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली एट द मोमेंट गन इज फायर्ड द बुलेट विल हिट द टारगेट ओनली एंड ओनली इफ रेंज ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन एक्स। देखो रेंज के, जैसे ये हमने आपको पहले भी बताया था गन और बुलेट के केस में, कि नॉर्मली देखा जाए तो जो पार्टिकल जाता है हम उसकी रेंज बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना रेंज ऑफ पार्टिकल, रेंज ऑफ बॉल, तो यहां पर रेंज ऑफ क्या होगा? बुलेट। लेकिन गन और बुलेट के केस में कई बार बोलने के लिए बोल दिया जाता है रेंज ऑफ गन, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं ना इस गन की रेंज क्या है, तो इस गन की रेंज इतने किलोमीटर है, ऐसे बोलते हैं ना 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, तो रेंज ऑफ गन का मतलब क्या है कि गन फिका के नहीं मारी जाएगी, कि गन यहां से अगर मारो फिका के तो 1.5 किलोमीटर दूर गिरेगी, क्या जाएगा? बुलेट ही जाएगी, मतलब उस गन से जो बुलेट फायर करेंगे एक्चुअल में उस बुलेट की रेंज कितनी होगी, वो 1.5 किलोमीटर होगी। तो लिखने के लिए दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं, रेंज ऑफ बुलेट भी लिखा जा सकता है, रेंज ऑफ गन, क्योंकि वो बोलचाल की लैंग्वेज है, उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इन केसेस को, इस पर क्वेश्चंस भी हैं। अब आगे का जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो क्वेश्चंस सब रिलेटेड ही हैं, ठीक है, एक दूसरे से, जो यहां पर चीजें जैसे अभी आपको बताई गई हैं ये, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं, अलग अलग तरह के जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी उनका यूज करके, या फिर कुछ जनरल और पॉइंट है उनका यूज करके। तो ये हम केस को एक बार जल्दी से बता देते हैं। पहले केस फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भी हम बता रहे हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इससे क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे बनाए जा सकते हैं, मैचिंग वगैरह के क्वेश्चंस में भी इसका यूज किया जा सकता है, या स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड बाय द अदर प्रोजेक्टाइल विल बी स्ट्रेट लाइन। तो इसका एक पर्टिकुलर डेरिवेशन भी होता है, बट डेरिवेशन हम नहीं कराएंगे, आपके किसी मतलब का है नहीं, तो आप सीधे याद कर लेंगे क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। रिलेटिव वेलोसिटी है नहीं सिलेबस में हम लोगों के इस बार, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है उसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये एटीट्यूड जैसे बताया गया वैसे पूछा जा सकता है। तो क्या कहा गया, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड बाय द अदर प्रोजेक्टाइल विल बी स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर दो पैराबोलिक पाथ बनाते हुए दो प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पर हैं दिखाए गए, या दो पार्टिकल्स प्रोजेक्ट कर दिए गए, तो जब तक ये एयर में है, मतलब जैसे एक मान लिया यहां पर पहुंच गया और दूसरा यहां पर आ गया, ठीक है, तो अगर ये इसको देखेगा या इसको देखेगा तो एक दूसरे का पाथ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, बस ये पॉइंट आपको याद करना है। लेकिन अगर मान लिया ये वाला यहां पर पहुंचा लेकिन ये वाला पहुंच गया यहां ग्राउंड पर, तो अब ग्राउंड पर तो स्टेशनरी हो गया, रुक गया जाकर, अब ये तो अभी भी एयर में है, तो अगर ये रुक गया और अब ये इसको देखेगा तो इसको पाथ कैसा दिखेगा, पैराबोलिक, जैसे हम ग्राउंड पर खड़े थे और हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हमें दोनों के पाथ कैसे दिख रहे थे,
पैराबोलिक, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जब देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे एक दूसरे को, लेकिन अगर ये पहुंच गया यहां पर ग्राउंड पर लेकिन ये अभी भी एयर में, तो ये बिल्कुल इस जैसा बन गया ना, तो अब इसको जब ये रुक जाएगा तो इसको पाथ कैसा दिखेगा, तब पैराबोलिक दिखेगा। ठीक है, वही लिख दिया गया यहां पर, मोशन ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी इज अ स्ट्रेट लाइन, बट इफ बी स्ट्राइक्स द ग्राउंड फर्स्ट व्हाइल ए इज इन द एयर, देन पाथ ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी विल बी पैराबोलिक। ठीक है, तब उसके द्वारा पाथ जो होगा वो ऑब्जर्व होगा पैराबोलिक। इसके बाद यहां देखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार आपको जल्दी से बता देना है रिलेट करके कि ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा सकता है। इस पर भी क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया, इफ बी एंड सी आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटीज एंड ए इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, देन आप देखो यहां पर कि जैसे ये एक पर्टिकुलर हाइट आपको दिखा दी गई और यहां से ये तीन पार्टिकल हैं ए बी सी, तो ये अलग अलग दिखाए गए हैं बट ये सेम हाइट पर है। अब एक ही जगह दिखा देंगे तो समझ में नहीं आता, तो थोड़ा ऊपर नीचे दिखा दिया गया, लेकिन वो सेम हाइट पर है, ऊपर बता भी दिया गया। ठीक है, बी एंड सी आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटीज एंड ए इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। ठीक है, तो ए को ड्रॉप किया और बी को और सी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो जो सी है उसकी वेलोसिटी को ज्यादा रखा गया है बी से, तो आप देखो अगर सी की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी रेंज ज्यादा होगी, अगर यहां पर देखें तो सी यहां पर गिरेगा जाकर, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू इंटू टी, तो यहां पर इसकी रेंज ज्यादा होगी इसकी रेंज कम होगी, लेकिन टी किसी का भी चेंज नहीं होगा, टी सबका सेम रहेगा, क्योंकि टी का फॉर्मूला क्या होता है रूट टू एच बाई जी, तो सबके लिए हाइट क्या है सेम, इसलिए सबका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। तो जब हम रेंज लिखेंगे आर इज इक्वल टू यू इंटू टी, तो अगर टी सबका सेम है तो जिसके लिए यू ज्यादा उसके लिए आर भी ज्यादा रहेगा, तो U C का ज्यादा है तो उसका R ज्यादा दिख रहा है, ये धीमे से हमने फेंका इसको तो ये कम डिस्टेंस पर गिरेगा, इसका रेंज कम होगा, ले और ये ड्रॉप किया गया तो ये सीधे यहां पर गिरेगा जाकर, लेकिन सभी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, टाइम सबका सेम रहेगा, क्योंकि इसके लिए भी अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में देखेंगे तो रिजल्ट क्या था एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर ही तो था, यहीं से तो ये फॉर्मला आया था, और आप याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हम किसी चीज को यू इक्वल टू जीरो से ड्रॉप करते हैं तो उसके लिए भी तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो वहां पर भी तो हाफ जी टी स्क्वायर है, इसका मतलब वहां पर भी टी और एच का यही रिलेशन है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम रहेगा, तो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, मतलब तीनों एक साथ ग्राउंड पर गिरेंगे आकर, अगर उनको एक हाइट से, दो को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया और एक को ड्रॉप किया गया। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखेंगे, जैसे यही ग्राउंड वाला पॉइंट उठाकर यहां रख दो तो भी क्या रहेगा, यहां तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सबका सेम रहेगा, इसलिए सबके लिए टी की वैल्यू क्या रहेगी सेम। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होती, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि हमने इसको नीचे ड्रॉप किया था, तो अभी भी जीरो ही है, इसकी यू बी थी तो अभी भी यू बी है, इसकी यू सी थी तो अभी भी यू सी है, तो सबकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी जैसी थी वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर देखो तो वो सबका आफ्टर टाइम टी सेम रहेगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू क्या होता है जी टी, तो सबका टी सेम जी सेम, तो सबके लिए वी वाई की वैल्यू सेम, तो सब कुछ डायग्राम से अगर आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे आप देखो वी वाई वी वाई वी वाई, यानी कि क्या हुआ कि अगर हम एक पर्टिकुलर हाइट से दो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, एक को ड्रॉप करते हैं, तो टी टाइम के बाद तीनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहे, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा, और हॉरिजॉन्टल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका जीरो था तो जीरो है, इसका यू बी था यू बी है, यू सी था यू सी। ठीक है, तो वही नीचे लिख दिया गया, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड विल बी इक्वल टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी, और सबके लिए रूट टू एच बाई जी। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या, एट एनी इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस अनचेंज्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी सेम, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बी एंड सी विल बी स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड वाइस वर्सा। तो वो तो अभी पीछे बताया गया कि जब तीनों एयर में रहेंगे तो एक दूसरे के पाथ को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप सोचो यहाँ पर कि जब ये ऐसे नीचे जाएगा ये नीचे जाएगा तो किसी इंस्टेंट पर टी टाइम में अगर ये यहाँ है तो उतने समय में ये यहाँ है और उतने समय में यहाँ है, तो उससे पहले भी ये एक ही लाइन में रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हर किसी भी टी टाइम के बाद देखेंगे तो वो सब एक ही लाइन में नजर आएंगे, तो अगर ये दिखेगा इसको तो पहले ये नजदीक था और फिर क्या हो गया दूर हो गया,
लेकिन लगेगा तो उसको स्ट्रेट लाइन में, तो उसको ऐसा फील होगा जैसे कि वो ऐसे दूर जा रहा है उससे। सन ऑफ फिलोसफी ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली आपको बताया जा रहा है जिसमें दो और केस इन्वॉल्व कर दिए गए। जैसे आप सोचो कि ये आपको बताया गया था ना कि अगर हम h डिस्टेंस पर हैं हाइट पर और वहां से किसी बॉडी को u स्पीड से नीचे फेंकें, तो h डिस्टेंस के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, अब यहाँ v इक्वल टू रूट टू जी एस थोड़े हो जाएगा क्योंकि u जीरो नहीं है, u है ना, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, वही जो हम लोगों ने केसेस किए थे, तो पहला केस यही तो था जिसमें हम किसी चीज को नीचे फेंकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, यही फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पर किसी हाइट से ऊपर की तरफ u स्पीड से फेंकते हैं, तो जब ये ऊपर से जाकर यहाँ पर नीचे पहुंचती है, तो ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आप मैच करा लेना, इसका भी यही सेम फॉर्मूला था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अगर हम हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, तो आज ही हम लोगों ने डिराइव किया, इसका भी जो फॉर्मूला था वो क्या आया था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर हम यहां से ऊपर किसी एंगल पर फेंक दें थीटा एंगल पर, और यहां से हम किसी थीटा एंगल नीचे की तरफ फेंक दें, तो भी अगर ये यहां पर गिरेंगे, अगर आप कैलकुलेशन में पड़ गए तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा, आगे हम बताएंगे भी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस तरह की कंडीशन को तो कैसे आप कंपोनेंट करके करते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन में पड़ गए तो बहुत लेंदी प्रोसीजर रहेगा, आपका टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको ये याद है तो चाहे 30 पर फेंको, चाहे 60 पर फेंको, चाहे 45 पर फेंको, अगर आपने हॉरिजॉन्टल से किसी भी एंगल पर फेंका, बस स्पीड उसकी u है और ये डिस्टेंस अगर h है, तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड्स होंगी वो इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs से। मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर h हाइट पर अगर आप हैं, तो वहां पर किसी भी बॉल को आप किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो, नीचे फेंक दो, ऊपर फेंक दो, लेफ्ट में फेंक दो, राइट में फेंक दो, किसी एंगल पर फेंक दो, लेकिन वो ग्राउंड पर जब गिरेंगी तो सबकी स्पीड क्या आएंगी, सेम, वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन स्पीड सबकी सेम होगी। तो अगर हम एक क्वेश्चन आपसे कह दें ऐसे कि हमने तीन पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया, एक को हॉरिजॉन्टल, एक को 30 डिग्री ऊपर, एक को 30 डिग्री नीचे, तीनों जब ग्राउंड पर गिरते हैं जाकर, तो उनकी स्पीड्स हैं v1 v2 एंड v3, देन व्हाट इज रेशियो ऑफ v1 v2 v3, 1:1:1। अब सोचो वो चीज कितनी आसान होगी, लेकिन अगर नहीं पता है कुछ भी इसके बारे में, तो वही कैलकुलेशन करते करते आप यहाँ पर थक जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है, और इस पर भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोक्सीमेट पाथ फॉर द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री 40 डिग्री 45 50 60 फॉर द सेम इनिशियल स्पीड। देखो यहाँ पर कि अप्रोक्सीमेट पाथ देखना है, तो आप यहाँ पर इन सब के पाथ को कैसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो आपको समझना है एक बार। तो जैसे एंगल्स अगर आप देखो 30 डिग्री समझ लेना है, बाकी तो आगे सब लिखा हुआ है, 40 डिग्री 45 डिग्री और 50 डिग्री है और 60 डिग्री है, ठीक है। हमें पता है यहाँ पर कि जब किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 होता है तो उन पर रेंज क्या होती है, सेम होती, यानी कि 30 और 60 की रेंज क्या होगी, सेम, और 40 और 50 की रेंज सेम होगी, और सबसे ज्यादा रेंज किस पर होती है, 45 पर, आर मैक्सिमम, ठीक है। तो ये चीज हमें पता, अब रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो हमें ये चीज तो पहले से पता है कि आर की वैल्यू आर मैक्स होती है कितने पर, एट 45 डिग्री। इसका मतलब जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे, अगर थीटा बढ़ेगा तो रेंज भी बढ़ेगी, बट अप टू 45 डिग्री, यानी कि अगर हम 30 पर फेंकेंगे तो कहीं गिरा जाकर, तो 40 पर फेंकेंगे तो और आगे गिरेगा, 45 पर फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन जब हम 50 ले जाएंगे 45 के आगे बढ़ेंगे तो रेंज कम होने लगेगी, 60 पर और कम हो जाएगी। तो आप खुद ही चेक कर सकते हो, 30 और 60 पर एक ही जगह होगी ना, और 40 और 50 पर एक जगह होगी, 45 पर सबसे ज्यादा होगी, तो रेंज बढ़ेगी तो, लेकिन सिर्फ 45 डिग्री तक बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट की, तो ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यानी कि थीटा अगर बढ़ता जाएगा तो मैक्सिमम हाइट भी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 30 पर मैक्सिमम हाइट कम, 40 पर उससे ज्यादा, 45 पर उससे ज्यादा, 50 पर उससे ज्यादा, और 60 पर सबसे ज्यादा। ये जो बताया जा रहा है 60 पर सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि 60 पर हाइट मैक्सिमम होगी,
ठीक है, उससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकती। अगर 70 करोगे तो और ऊपर जाएगा वो, 80 करेंगे तो और ऊपर चला जाएगा। हम यहां पर जो बता रहे हैं वो सिर्फ इतने एंगल्स के बीच का रिलेशन बता रहे हैं। मतलब जैसे आपको कुछ भी बदल कर दिया जा सकता है, तो हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें ये 5 एंगल आपको दिए गए थे, तो इनसे लेकर हम रिजल्ट आपको समझा दे रहे हैं। अब एंगल कुछ भी वो चेंज करेगा तो ऐसे ही आपको एनालिसिस कर लेनी। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 60 डिग्री पर हाइट मैक्सिमम होगी या 70 डिग्री पर, 70 पर, ऐसा थोड़ा कि 60 है यहां पर तो 70 नहीं हो सकता, 70 होगा तो और ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा एच बढ़ता जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आप रेंज देखेंगे, रेंज ज्यादा होती जाएगी, लेकिन सिर्फ 45 तक। जैसे अगर 40 पर रेंज ज्यादा होगी या 42 डिग्री पर, 42 पर ज्यादा होगी ना, 40 के आगे और बढ़ेंगे और रेंज बढ़ेगी, 42 के बाद 44 पर जाएंगे रेंज और बढ़ेगी, 45 पर मैक्सिमम, 45 के बाद अगर हम यहां पर मान लिया 48 पर पहुंच गए तुरंत पीछे आ जाएगी रेंज, 50 पर गए और पीछे आ जाएगी, 55 पर गए और पीछे आ जाएगी। तो यही पाथ यहां दिखा दिया गया। आप देखो 30, जैसे आप हाइट देखो तो हाइट कंटिन्यूस बढ़ती जा रही, ये 30 डिग्री है, ये इसके बाद 40 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर यहां पर 50 डिग्री हो गया और फिर 60 डिग्री हो गया, हाइट लगातार बढ़ रही। लेकिन अगर रेंज देखो तो 30 और 60, ये जो रेड वाले दिखाए गए 30 और ये 60 है, ये दोनों की रेंज एक ही जगह पर है ना, इस पॉइंट पर। ऐसे 40 और 50 की रेंज एक जगह पर है ग्रीन वाले, और जो ये येलो वाला दिखाया गया ये 45, इस पर रेंज सबसे ज्यादा आपको दिखाई गई। ठीक है, तो वही यहां पर एक्सप्लेन करके लिख दिया गया है। मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। मैक्सिमम और मिनिमम एंगल अगर कभी पूछा जाए तो आप यहां पर देखेंगे जहां पर प्रोजेक्ट करते हैं, जहां से, वहां पर एंगल मैक्सिमम होगा, और जहां पर ये गिरेगा जाकर वहां पर एंगल मिनिमम होगा। आप चेक कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा डाउनवर्ड, और ये ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल थीटा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल यही तो आएगा, कितना, 90 प्लस थीटा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है वो सेम होता है, तो ये एंगल यहां थीटा रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, पूरा एंगल 90, तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहां 90 प्लस थीटा और यहां 90 माइनस थीटा। हाईएस्ट पॉइंट का डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, रेडियस वाले केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर और वेलोसिटी इधर, एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, वही लिख के मैक्सिमम एंगल 90 प्लस थीटा एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मिनिमम एंगल 90 माइनस थीटा एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ओनली वन टाइम एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन वेक्टर। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें भी वही होगा, अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, मतलब यहां पर जहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर यू और ये जी डाउनवर्ड, एंगल कितना, 90। लेकिन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर देखो तो ये वाला एंगल, इसको थीटा अल्फा कुछ भी मान लो, तो ये यहां पर डाउनवर्ड होगा और ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो वेलोसिटी और जी के बीच का एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। अगेन देखो यहां पर मैक्सिमम है और यहां पर मिनिमम है, इसमें भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर मैक्सिमम था और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर मिनिमम था। एक बार समझ लेंगे डायग्राम बनाकर तो याद थोड़े करना पड़ेगा, कभी पूछा जाए आप यहीं से चेक करके बता सकते हैं। अब ये जैसे ये जो केस है, ये एंगल वाला, ये केस आपको वो इस जो मैचिंग वाला होता ना उसमें बनाकर दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन मैचिंग वाले में कि कौन सा एंगल कहां पर होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर, अगर ऐसे फेंका जाए तो उसको आपको मैच कराना है यहां पर। ठीक है, ऐसे यहां पर एक एक कंडीशन है फॉर रिट्रेसिंग द पाथ। देखो पाथ को रिट्रेस करना मतलब अपने पाथ को दोहराना, तो कैसे ये हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है, आप यहां पर देखो, जैसे कोई भी पार्टिकल, अगर हम यहीं पर बता देते हैं, कोई भी पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा, ऐसे जा रहा है। अब मान लेते हैं ये जब यहां पर है तो इसकी जो स्पीड है वो v के बराबर है। अगर कुछ आप ऐसा कर दो कि ये यहां पर पलट जाए स्पीड इसकी, मतलब स्पीड वही रहे बस डायरेक्शन इसकी पलट जाए, तो डायरेक्शन अगर इसकी रिवर्स कर दें, अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, आगे हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे, आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि कोलिजन में क्या होता है, कि अगर हम यहां पर एक कोई भी प्लेन रख दें और उस पर ये 90 डिग्री पर स्ट्राइक करे जाकर, और कोलिजन हो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो ये रिबाउंड कर जाएगा,
ठीक है, और रिबाउंड करेगा तो स्पीड में चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा। और अगर किसी भी इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन आपने चेंज कर दी तो ये वापस वैसे ही चलाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग कोलिजन वगैरह में यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह के केसेस में यूज करते हैं, तो वहां पर इस पर क्वेश्चन भी आएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि यहां पर किसी तरह का कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रिक्शन वहां पर एक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, और एनर्जी अगर लॉस हो गई वहां पर तो जहां पर पहुंचना है वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, वो पहले ही कहीं गिर जाएगा। देखो क्या लिखा गया, इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग इट्स नेचुरल ट्रेजेक्ट्री एंड एट सम इंस्टेंट ऑफ इट्स मोशन इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गेट रिवर्स कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड देन बॉडी रीट्रेसेस इट्स पाथ बट इट इज ओनली व्हेन नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग इन द मोशन। मतलब किसी भी तरह का कोई नॉन कंजर्वेटिव, ये हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर में, एयर रेजिस्टेंस का कोई फोर्स वहां पर एक्ट ना करे, ठीक है। तो ये थ्योरी वाला पार्ट इसका हो गया। कल जो आपकी क्लास है तो उसमें हम लोग इसके पहले क्वेश्चंस फिनिश करेंगे एंड देन हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है।